हेलो स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू मैट्रिक्स के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें क्या करना है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स होगी, यूजर्स इनपुट करेंगे और उन एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी होगी। आज का क्वेश्चन यही है, लिखा बोर्ड के ऊपर, राइट प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स एलिमेंट। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैट्रिक्स में से अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, वो आता है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या लॉजिक होता है, क्या तरीका होता है, वो सब तो हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट का रूल पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है। रूल ये होता है कि अगर आप जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मैंने आप मैट्रिक्स बनाई हुई है, अगर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, सो अगर वो मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 3x3 की है, 4x4 की है या 2x2 की है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली आप उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, अलग अलग ऑर्डर की है, तो फिर वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर होना चाहिए, उसका रूल ये है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम, ध्यान से सुनना, जितने नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में होंगे, फिर उतने नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में होना कंपलसरी है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मल्टीप्लाई का आंसर रिजल्ट गलत आएगा, वो सही रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, तो ये रूल है मल्टीप्लीकेशन का तुम दो मैट्रिक्स के साथ। इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के दो मैट्रिक्स लिया है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग किया है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 3 कॉलम, तो उतने नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स में होना कंपलसरी है। 3 कॉलम, इसके अंदर 3 रोज हो गई, इसके अंदर 2 रोज है, इसके अंदर 2 कॉलम कर दिए। तो ये है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का रूल। अब कैसे होती है मल्टीप्लाई, पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद इसको इनपुट करके प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको हम एनालाइज करेंगे। क्लियर है बात? तो मल्टीप्लाई ऐसे होती है, एक्चुअली फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का एलिमेंट इस रो की इस कॉलम में करेंगे, फिर इसी रो की इस कॉलम में करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर सेकेंड रो उठाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकेंड रो की इस कॉलम के साथ और इसके साथ। जब ये हो जाएगा सब कुछ, जितने नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में होगी उसके सब कॉलम में हो जाएगी, तो एक मैट्रिक्स बन के आएगी, नहीं उसको हमने प्रिंट करना होगा। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहले समझते हैं। 5 × 7, 5 × 7, फिर उसके बाद ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, प्लस लगाते हैं 3 × ये है 5, प्लस लगाते हैं, फिर इसकी हमने कर चुके यहाँ पे, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है 4 × 2। अब इसको सोल्व कीजिए, 5 × 7 जो होता है 35, 35 प्लस 15 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस 15 50, और ये हो जाएगा 8 ऐड, तो एक आंसर आ जाएगा 58। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करने से आंसर क्या आया है, 58। ओके, अब इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करते हैं, वो करते हैं 5, यहाँ लिखता हूँ मैं 5 × ये एलिमेंट, 5 की 4 से करेंगे फिर प्लस आएगा, फिर इस 3 की 3 से करेंगे 3 × 3, फिर प्लस करेंगे, फिर 4 × 5, 4 × 5, ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा, सोल्व करते हैं। 5 × 4 जा होता है 20, प्लस 3 × 3 जा 9, प्लस 4 × 5 जा होता है 20, तो कितना बन के आ गया, 20 प्लस 40, और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो एक आंसर आ गया 49। इस रो की इन दोनों कॉलम में करने से मल्टीप्लाई ये आंसर आया है। ओके, फर्स्ट रो की दोनों कॉलम में करने से आंसर क्या आया, ये आया एक रो का। अब हमने बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करना है इस रो के साथ इन दोनों कॉलम में, 2 के साथ करो मल्टीप्लाई, 2 × ये आएगा 7, फिर प्लस 6 × ये एलिमेंट आ जाएगा, 6 × हो जाएगा 5, फिर प्लस 3 × हो जाएगा 2, 3 × ये हो जाएगा 2। सोल्व करते हैं, 7 × 2 = 14, यहाँ प्लस करते हैं, 6 × 5 जा होता है 30, उसके बाद प्लस 3 × 2 जा होता है 6। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 और 14 हो जाएगा 20, और ये है 30, तो 50 आ जाएगा, नया एलिमेंट आ गया 50। इस रो की इस कॉलम में हो गई है, अब ये बचा क्या है, इस रो की इसके साथ बची है, तो करते हैं 2 × ये एलिमेंट 4, फिर प्लस करते हैं बीच में, 6 × हो जाएगा 3, 6 × 3, फिर प्लस करते हैं इस एलिमेंट किससे करते हैं, 3 × 5, ये अब सोल्व करते हैं, 2 × 4 जो होता है 8, प्लस 6 × 3 जो होता है 18, प्लस 3 × 5 जो होता है 15। अब ये सोल्व करते हैं, 8 और 18 कितना होता है, जो होता है 26,
26 में आप 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 में करते हैं 15 तो हो जाएगा 40, तो आंसर आ जाएगा 41। तो इसका आंसर आएगा 41। जो ये एक आंसर आया, रिजल्ट आया है, ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में आया है, और वो मैं मान लेता हूँ सी के अंदर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना होगा। ये क्वेश्चन है, करना क्या है, मैं एक बार इसको ओवरव्यू दे रहा कि प्रोग्राम जब बनेगा, पहले तो आपको दो मैट्रिक्स को इनपुट करना होगा, दोनों मैट्रिक्स को इनपुट करने के बाद फिर आप उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का आंसर डाल दोगे किसी थर्ड मैट्रिक्स में। जब थर्ड मैट्रिक्स में इन दोनों मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा, फिर इस थर्ड मैट्रिक्स को हम इजीली प्रिंट करा देंगे लूप लगा के। ये है इसका ओवरव्यू ओरली। अब इसको हम प्रोग्रामिंग में रिटर्न में करते हैं। ओके, क्लियर है बात। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हेडर फाइल इंक्लूड कर दी मैंने यहाँ पर, और मेन फंक्शन में आ गए इंट मेन। मेन फंक्शन में आने के बाद मुझे यहाँ पर दो मैट्रिक्स को डिफाइन करनी है। आप स्क्वायर भी ले सकते हो, जैसे मैंने बोर्ड पर भी डिस्कस किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। टू रो थ्री कॉलम, अगर आपने टू रो थ्री कॉलम की फर्स्ट मैट्रिक्स ली है तो ये कंपलसरी हो जाएगी कि सेकंड मैट्रिक्स के अंदर थ्री रोज होना कंपलसरी है। ओके, और फिर यहाँ पे मैंने टू कॉलम ले लिए, और जो सेकंड थर्ड मैट्रिक्स बन के आएगी, जितने भी नंबर ऑफ रोज है इसमें कॉलम है, उतने बाई उतने की बन के आ जाएगी थर्ड वाली मैट्रिक्स। तो मैंने उसका ऑर्डर लिया टू रो टू कॉलम। I और J एंड एक वैल्यू यूज होगा इसमें K मल्टीप्लीकेशन के अंदर। फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट कर लेते हैं, तो मैसेज दे देंगे एक इनपुट करने के लिए, यहाँ पर मैसेज देंगे, लिखाएगा एंटर 2 × 3 मैट्रिक्स एलिमेंट। ये मैसेज आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, और उसको हमने गेट करना होगा 2 × 3 मैट्रिक्स एलिमेंट गेट करने A के अंदर। तो वो काम किससे होगा, लूप्स होगा, i इक्वल 0, i लेस देन 2 और i प्लस प्लस। उसके बाद इसके अंदर एक लूप और सेट करना है 4, j इक्वल 0, j लेस देन कहाँ चलेगा, नंबर ऑफ कॉलम के लिए 3 के लिए, एंड j प्लस प्लस। और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे स्कैनर फंक्शन, और मैट्रिक्स के एलिमेंट गेट करेंगे a वाली मैट्रिक्स में, एड्रेस ऑफ aij। ये मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट कर लिया है। ओके, सेम एज हम सेकंड मैट्रिक्स को इनपुट करेंगे, तो उसके लिए मैसेज बनाना होगा एंटर, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे मैसेज एंटर 3 × 2 मैट्रिक्स एलिमेंट्स। इसके लिए मैसेज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, हमने लूप भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करने हैं। आई का लूप 0 से स्टार्ट करेंगे, और उसकी एंडिंग क्या होगी, 3 रोज हैं आई प्लस प्लस। और इसके अंदर जो जे का लूप चलेगा वो हम डिफाइन करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ 2 के लिए चलेगा क्योंकि 2 कॉलम है जे प्लस प्लस। और लूप के अंदर स्कैनफ डिफाइन करेंगे, और मैट्रिक्स को एलिमेंट गेट करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट वो हम करेंगे बी वाली मैट्रिक्स में, बी आई जे। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इस दोनों हमने मैट्रिक्स को इनपुट कर लिया इस लॉजिक से। ओके, इनपुट करने के बाद मल्टीप्लाई का लॉजिक यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कमेंट लिख दी, कमेंट बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हो रही है मल्टीप्लिकेशन में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो पढ़ते टाइम प्रोग्राम को। मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर ये लिखा जाएगा कि जो मल्टीप्लाई का प्रोसीजर है वो कहाँ से है, यहाँ से हम मल्टीप्लाई का प्रोसीजर लिखना है। उसके लिए लूप सेट करने होंगे, लूप ऐसे सेट होंगे 4 आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा इन दोनों का वो थर्ड मैट्रिक्स में आएगा। और थर्ड मैट्रिक्स कितना है, कितने की बन के आएगी, जो इसके रो है से कॉलम है उसका ऑर्डर से बन के आएगी। इसलिए मैंने आई का लूप 2 के लिए चलाया है, और जो इसके अंदर जे का लूप होगा वो भी 2 टाइम ही चलेगा, जे इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, जे लेस देन 2 सेमी कॉलन, जे प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आई जे इक्वल 0। फिर यहाँ पे एक लूप और लगाया जाएगा, वो लूप होगा के का, जिससे मल्टीप्लाई होगी, के का लूप मल्टीप्लाई करने के लिए काम आएगा,
ये चलेगा नंबर ऑफ थ्री के लिए, जो इन दोनों में इसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए इसके इस रो के, इसलिए वो लूप मल्टीप्लाई कौन करेगा, के, ये थ्री टाइम चलाना है और यहाँ होगा के प्लस प्लस। ओके, अब इसको एनालाइज करेंगे, कोई आपको टेंशन की बात नहीं है, समझाऊंगा एनालाइज कराऊंगा। सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के मल्टीप्लाई बी के जे, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाइशन का, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब आप लूप स्टार्ट कर देंगे इस तरह के, तो ये लूप है, सी वाली मैट्रिक्स में आंसर आएगा, जो उसमें आंसर आता रहेगा उसको ऐड करना है ए आई के, यानी जो के का लूप था वो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मैच होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये बात क्लियर आ गई? देखो यहाँ पर थ्री कॉलम है, इसके थ्री रोज है, तो मल्टीप्लाई ये लूप कर रहा है, तो इसका जो ऑर्डर है हमने यहाँ पर कॉलम के लिए के यहाँ बनाया और यहाँ पर के को रो के लिए बना दिया। बात क्लियर है? अब मैं तीनों लूप को क्लोज करता हूँ, ये तीनों लूप क्लोज हो गए। उसके बाद जब ये मैट्रिक्स का आंसर सी वाली मैट्रिक्स में आ जाएगा, मुझे वो आउटपुट स्क्रीन पर देखना है, तो मुझे एक मैसेज देना होगा मल्टीप्लीकेशन। अब सी वाली मैट्रिक्स को यहाँ प्रिंट किया जा रहा है, मैंने एक मैसेज दिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैसेज आ जाएगा और लूप लगा के आप सी वाली मैट्रिक्स को सिंपली प्रिंट करा देंगे, आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन टू, आई प्लस प्लस। फिर इसके अंदर सेकेंड लूप डिफाइन करेंगे फॉर जे इक्वल ज़ीरो, जे लेस देन टू एंड जे प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसके अंदर प्रिंट किया जाएगा परसेंटेज डी बैक स्लैश टी लगा सकते हैं टाइप के लिए, प्रिंट में आएगा सी आई जे, सी आई जे, और यहाँ पे एक लूप जैसे कंप्लीट होता है, सो मुझे लाइन चेंज करनी होगी क्योंकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, यहाँ पर लाइन चेंज करा दी, लूप कंप्लीट हो गया। इसके बाद रिटर्न से मैं प्रोग्राम का एंड करता हूँ, रिटर्न ज़ीरो और एंड हो गया। सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया है। आई थिंक ये जो लॉजिक है, ये वाला जो मैंने यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया, ये मैट्रिक्स को इनपुट का लॉजिक है, जो हम कई बार कर चुके हैं मैट्रिक्स के प्रोग्राम में, इनपुट वाला को हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये आपने मैट्रिक्स को इनपुट कैसे करते हैं आपको अगर देखना है समझनी है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करनी होगी, उसमें मैंने इनपुट वाला केस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने दो मैट्रिक्स इनपुट करनी थी, फर्स्ट मैट्रिक्स ए टू रो थ्री कॉलम की, तो मैंने टू रो थ्री कॉलम लूप लगाया और इसका नंबर डाल दिया मैट्रिक्स ए को। फिर सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो थ्री रोज और टू कॉलम है, तो इसके लिए मैसेज दिया थ्री इंटू टू मैट्रिक्स एलिमेंट, फर्स्ट लूप लगाया नंबर ऑफ रोज थ्री के लिए और सेकंड लूप लगाया नंबर ऑफ कॉलम टू के लिए और यहाँ पर डाल दिया बी को। तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर है ये सिंपली मैट्रिक्स को इनपुट किया गया है। मल्टीप्लीकेशन जो लॉजिक है मेन लॉजिक ये वाला है, ये मेन लॉजिक है, यही हमने समझना है। मैट्रिक्स को इनपुट करना, मैट्रिक्स को प्रिंट करना, इट्स वेरी सिंपल, ये हम कर चुके। यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पर जिसमें आंसर है उस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट किया हुआ है। लॉजिक जो मेन है मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ ये लॉजिक है, ये हमने समझना है। अब मैं समझने के लिए यहाँ पर आउटपुट को एनालाइज करता हूँ, इसका आउटपुट कंक्लूज करता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। ओके, आउटपुट निकालने के, जब आउटपुट चलना शुरू करेगा, सबसे पहले मेरे सामने मैसेज आएगा एंटर टू इंटू थ्री मैट्रिक्स एलिमेंट, ये मैसेज मेरे सामने आएगा जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। जो भी प्रोग्राम को रन करेगा सबके सामने यही मैसेज आएगा क्योंकि प्रोग्राम के अंदर ये लिखा हुआ है एंटर टू इंटू थ्री मैट्रिक्स एलिमेंट, एंटर टू इंटू थ्री मैट्रिक्स एलिमेंट। अब आपने क्या करना है, जब ये आपको मैसेज ये मिला है तो आपको इस ऑर्डर के हिसाब से टू रो थ्री कॉलम के अंदर एलिमेंट डालना है। अब मैं उस मैट्रिक्स को यहाँ पे बना लेता हूँ कि जो मैट्रिक्स बन के आएगी, क्योंकि उसको समझना है ना, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेता हूँ कौन कौन सी मैट्रिक्स है। यहाँ पे करते हैं थ्री कॉलम टू रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसमें टू रो गई, ज़ीरो वन टू ज़ीरो वन, सेकेंड की होगी उसमें थ्री रोज होंगी टू कॉलम होंगे, ये होगी सेकेंड मैट्रिक्स जो मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, थ्री रोज एंड इसमें होंगे टू कॉलम, ज़ीरो वन टू ज़ीरो वन। और जो थर्ड मैट्रिक्स है
वो होगी 2 by 2 की, वो मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करता हूँ 0 1 0 1। ये सी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है, जो यहाँ पर ऑर्डर ले रखे हैं ना उसके ऑर्डर के मेमोरी के अंदर इस तरह से मैंने अज्यूम कर लिया। अब जब एलिमेंट का मैसेज आएगा एंटर द 2 × 3 मैट्रिक्स एलिमेंट, वो इस लूप के थ्रू वैल्यू किसके अंदर जाएगी, ए के अंदर। मैं यहाँ जस्ट अज्यूम कर लेता हूँ 2 4 3 5 और यहाँ पर कर दिया मैंने 3, यहाँ कर दिया 6। ये एलिमेंट जाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में, मैं यहाँ पर लेता हूँ उनको 2 4 3 5 3 and 6। फिर जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मैसेज लिखा आएगा एंटर 3 × 2 मैट्रिक्स एलिमेंट। नेक्स्ट मैसेज होगा एंटर 3 × 2 मैट्रिक्स एलिमेंट। अब यूजर ने मैट्रिक्स के एलिमेंट देने हैं सेकंड मैट्रिक्स के 3 rows 2 columns के अकॉर्डिंग, तो मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ वो एलिमेंट ये है 4 6 3 9 8 4, ये मैंने एलिमेंट मान लिया है। ये जाएंगे सेकंड मैट्रिक्स में अंदर 4 और यहाँ पर आएगा 6, फिर 3, फिर आएगा 9 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4। दोनों मैट्रिक्स इनपुट होगी सक्सेसफुल्ली। यहाँ तक हमने इनपुट कर लिया है, प्रोग्राम इनपुट वाला केस कंप्लीट। मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली यहाँ से है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेगा, दोनों मैट्रिक्स में हमने वैल्यू इनपुट करा ली तो इनके अंदर तो मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाएंगे, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू इनपुट नहीं करा क्योंकि यहाँ पर आनी है मल्टीप्लीकेशन इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट की। तो अब मल्टीप्लीकेशन से पहले इनकी लोकेशन का क्या है जा सकते हो, मल्टीप्लाई करने से पहले अभी तो इसके अंदर एलिमेंट आए नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने करी नहीं, भी यहाँ तक की बात करें तो इसके अंदर वैल्यू होगी गार्बेज। अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालते तो गार्बेज वैल्यू होगी, तो गार्बेज के साथ अब अगर आप किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका लॉजिक लगा रखा है यहाँ पर, ये इसको समझते हैं। चलिए इनपुट करने के बाद ये मल्टीप्लाई का प्रोसीजर है। अब आई का लूप शुरू होता है, आई की वैल्यू हो गई स्टार्ट 0 से। बहुत ध्यान से फुल कंसंट्रेट के साथ आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आई की वैल्यू क्या है, जे की क्या है, कहाँ से वैल्यू उठ कर रही है, तो बहुत ध्यान से यहाँ पर इसको समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो, आई की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से, नीचे आ गए कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होने पर नीचे आए, जे को स्टार्ट कहाँ से करेगा, जे की स्टार्ट हो जाएगी वैल्यू 0 से, ये कंडीशन चेक करा ये भी ट्रू है तो नीचे आ गए। अब यहाँ देखो ध्यान दो, सी आई जे में क्या वैल्यू डाल दी मैंने 0, आई की वैल्यू क्या है 0, जे वैल्यू क्या है 0, तो सी 0 0 पर क्या आ जाएगा 0, सी 0 0 ये मैट्रिक्स सी है, इसका 0 0 पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 0। इस लोकेशन पर जो गार्बेज थी वो खत्म हो गई, यहाँ पर 0 आ गया क्योंकि अब जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसके साथ ऐड करते जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर गार्बेज खत्म करके 0 डाल दिया। ये रीज़न है इस लाइन को यहाँ पर डिफाइन करने का, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, के का लूप स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर 0 से, ये जाएगा 3 times के लिए और नीचे आ जाते हैं। अब सब कुछ 0 है, आई भी 0, जे भी 0 एंड के भी 0। अब यहाँ पर आपको 0 0 उठाना है, आंसर कहाँ पर आएगा, सी आई जे में, यानी सी 0 0 में आंसर आएगा, इस जगह पर आंसर आएगा, वहाँ पर जो पड़ा है वो प्लस क्या हुआ है, सी 0 0 प्लस है, सी 0 में क्या है 0, तो 0 प्लस। नेक्स्ट फिर आई के, ए आई के, आई भी 0 के भी 0, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए का 0 0, मैट्रिक्स ए का 0 क्या है 2, तो इस वाले स्टेटमेंट से यहाँ से निकल जाएगा 2, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, बी 0 0, बी 0 पर क्या है 4, ये बनी है एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करो और आंसर डाल दो इस जगह पे, 0 प्लस 2 2 रहेगा और 2 × 4 कितना हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा 8, सो वो जो 8 निकल गया है इससे आंसर, वो कहाँ पर आ गया, सी 0 0 में, तो सी 0 में जो 0 था वो खत्म हो गया, ये बन गया यहाँ पर 8। ओके क्लियर है बात ये। अब ये जो ब्रेस है ये के का ले है, ये इसका ब्रेस है, ये ब्रेस इसका है और ये जो ब्रेस है ये ब्रेस है इसका, यहाँ पर आई का ब्रेस, तो जो ब्रेस आया है इससे बाहर निकलेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा लूप, यहीं से टर्न कर जाएगा, टर्न कर जाएगा तो ये जाएगा के को इंक्रीज करने, के की वैल्यू हो जाएगी 1, कंडीशन चेक करो ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आएंगे। अब ध्यान दो आई 0 है, जे 0 है, सिर्फ के 1 है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू उठानी है, सी 0 0 में आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जो वहाँ पर अब है, सी 0 में क्या आया था 8, तो यहाँ से निकल गया 8। अब इधर आते हैं ए आई के, आई 0 है, के 1 है, तो ए 0 1 मैट्रिक्स का ए 0 1 क्या है 4, तो यहाँ से निकल कर आएगा, निकला इसने 4, फिर मल्टीप्लाई,
फिर ये पढ़ा जाएगा बी के जे, के की वैल्यू तो वन है, ये पढ़ा जाएगा बी वन जीरो, बी वन जीरो, बी वन जीरो क्या है, बी वन ही रहा है जीरो, तो ये आंसर निकल कर आएगा इस थ्री आएगा। अब इसको सॉल्व करो, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में एट ऐड कर दो, ये हो जाएगा ट्वेंटी, और कहाँ आंसर आएगा सी जीरो जीरो में आ जाएगा ट्वेंटी, तो यहाँ से एट खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया ट्वेंटी। ओके, अब ये के पास जाएगा क्योंकि कंप्लीट होना है, के के लो देखिए टू कंडीशन ट्रू है। अब फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा, सी आई जे में जो है वैल्यू अब 20 है, तो 20 को ऐड करेगा, ये किसके साथ ऐड करेगा, ए आई के, आई जीरो है जे जीरो है सिर्फ के टू है, ए जीरो टू, ए जीरो और टू पे क्या है थ्री, तो यहाँ से निकलेगा आएगा थ्री, थ्री से करेगा, और उसके बाद बी टू जीरो, बी टू, बी टू और जीरो ये एट, सो इसको सोल्व कीजिए क्या आंसर आएगा, एट थ्री जो होता है 24, 24 में जैसे आप 20 ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा 44, 44 आंसर आ जाएगा सी जीरो जीरो के अंदर, यहाँ 44 आ गया। ओके क्लियर, जैसे जे अब ये इंक्रीज करेगा, सॉरी के इंक्रीज करेगा, के पास जाएगा, के की वैल्यू देगी थ्री, थ्री थ्री से लेस देन नहीं है, ये लूप सब आ रहेगा के वाले लूप से, और के लूप किसके ब्रेस के अंदर है, वो जे के अंदर है। अब ये जो ब्रेस है इससे बाहर निकलेगा जब वो लूप कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ से जाएगा, ये जाएगा इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा यहाँ पे जे को, जे को इंक्रीज करो, जैसे ही ये जे को इंक्रीज करने गया, जे की वैल्यू जीरो थी, अब वो वैल्यू वैल्यू हो गई वन, जे हो गया वन, वन पे कंडीशन चेक करो ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आएंगे, नीचे आने पे क्या हुआ, अब ये इस वाले स्टेट में चलाएगा जिससे क्या हुआ सी आई जे में आ जाएगा जीरो, आई की वैल्यू जीरो है जे वन हुआ है तो सी जीरो वन में जीरो आ जाएगा। अभी इसमें जो गार्बेज पड़ी है वो खत्म हो जाएगी, सी जीरो वन में यहाँ पर जीरो आएगा। अब आंसर यहाँ आना है, देखो जब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए तो आंसर ये निकल का आया। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम होनी है, इसलिए जे अब वन हो गया और सी जीरो वन में जीरो आंसर आएगा, यहाँ पर हम पहुँच गए। जब इसको चलाने के बाद इस लूप में एंट्री होगी तो के का लूप स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से सेट हो जाएगा, के दोबारा जीरो बन जाएगा, कंडीशन चेक कर ट्रू है, नीचे आए। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि क्या आंसर क्या निकल का आएगा। अब देखते हैं कि पहला आई जे क्या है, आई जीरो है जे वन है और के जीरो है, सिर्फ जहाँ पर जे वन है ध्यान देना, सिर्फ जे वन है। अब पढ़ो इसको, सी आई जे यानी सी जीरो वन में जो है वो जीरो डाला था वो, तो यहाँ से निकल का आएगा जीरो, प्लस ए आई के, आई और के दोनों जीरो हैं तो ए मैट्रिक्स ए का जीरो जीरो, मैट्रिक्स जीरो क्या है टू, तो यहाँ से निकल का आएगा टू। फिर मल्टीप्लाई करो बी के जे, के की वैल्यू क्या है जीरो और जे की वैल्यू क्या है वन, तो बी का जीरो वन, बी का जीरो वन क्या है सिक्स, तो यहाँ से निकला है सिक्स। अब मल्टीप्लाई करो सिक्स टू जै ट्वेल्व और प्लस जीरो, तो यहाँ पर वो आ जाएगा सी आई जे यानी सी जीरो वन में आ जाएगा ट्वेल्व, यहाँ पर आंसर आएगा ट्वेल्व। फिर के का लूप कंप्लीट होना है, के की वैल्यू हो जाएगी वन, कंडीशन ट्रू है। अब सी जीरो वन में जो आंसर आया था लास्ट टाइम ट्वेल्व, ये प्लस होगा इसके साथ ए आई के, आई जीरो है के वन है, यहाँ पर जाएगा ए जीरो वन, ए जीरो वन पर क्या है फोर, यहाँ फोर आएगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई आएगा बी वन वन, क्योंकि के भी वन है देख लो और जे भी वन है, बी वन पर क्या है बी वन पर है नाइन, तो यहाँ पर आएगा ये, तो फोर की मल्टीप्लाई नाइन से की जाएगी, तो कितना हो जाएगा नाइन फोर जा 36, 36 को 12 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 48, 48 इसमें आंसर आएगा सी जीरो वन में। ओके, उसके बाद K को इंक्रीज करेगा, K हो जाएगा 2, 2 पे कंडीशन ट्रू है, नीचे आए I0, J1 और K2, इस पर आपको अप्लाई करना है। C01 में जो आंसर है वो तो 48 है, तो 48 प्लस होगा इस बार 48 प्लस ए आई के, आई की वैल्यू है 0, K की वैल्यू है 2, ए मैट्रिक्स का 0, 2 है 3, यहाँ से निकल का आएगा 3। उसके बाद ये रीड करेगा बी के जे, यानी के तो 2 है और जे 1 है, बी टू वन, बी टू वन, बी टू और वन ही रहा है, तो यहाँ से निकल का आएगा 4, 4 3 जै 12, 12 में इसे ऐड कर दो 48 को, तो 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो वो मिल जाएगा सी जीरो वन को 60 यहाँ, तो यहाँ पर 60 आने के बाद अभी के लूप को कंप्लीट करा, के को इंक्रीज करा, के की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 कंडीशन 3 चेक करेगा फॉल्स हो गई, लूप सब आ रहा है। अब फिर से ये जे को इंक्रीज करेगा, जैसे जे को इंक्रीज करेगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 होने पे क्या होगा ये कंडीशन चेक करेगा फॉल्स बन गई,
तो जे अपने वाले लूप के ब्रेस से, जे का लूप का जो ब्रेस है वो एक्चुअली ये वाला है, इससे बाहर आ गया, और जे किसके अंदर है, आई के अंदर, तो अब ये जाएगा आई के पास, यहाँ से जाएगा आई के पास, ये आई को इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, कंडीशन चेक करो ट्रू है, ट्रू है तो ये नीचे आएगा, जैसे नीचे आएगा तो जे की स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, जे में जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया, जे दोबारा से बन गया 0, वो कब तक चलेगा, 2 तक जाएगा, कंडीशन ट्रू है। ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करी आंसर आ गया, इस रो की इसमें मल्टीप्लाई करी इसमें आंसर आ गया, अब इस वाले रो की इस कॉलम से होगी, इस कॉलम से आंसर यहाँ पाने हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, आई चेंज हो गया, आई का 1 हो गई, जे द्वारा 0 हो गया, और सी 1 0 में आ जाएगा, 0 सी 1 0 में 0 आ गया, सब गार्बेज खत्म, यहाँ पर 0 आ गया, और जैसे इस लूप में एंट्री होगी तो के की स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, के की स्टार्टिंग हो जाएगी 0 से, और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 3 टाइम के लिए। अब देखो आई 1 है, जे 0 है, के 0 है, सिर्फ आई 1 है, तो इसके बेस पे यहाँ पे अप्लाई करना है, सी 1 0 में जो क्या वैल्यू है, अभी 0 आई है, तो 0 प्लस होगा ए आई के, आई की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, मैट्रिक्स ए का 1 0, मैट्रिक्स 1 1 0 क्या है, 5, यहाँ से निकलेगा 5, और मल्टीप्लाई में क्या है, बी के जे, के 0 है, जे 0 है, सिर्फ आई 1 है, तो बी का 0 0, बी का 0 में क्या है, 4, सोल्व करो, 5 4 20 20 आ जाएगा, 0 में ऐड होगा तो 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20। उसके बाद के कंप्लीट करते हैं, के वैल्यू 1 हो जाएगी, अब इसको अप्लाई करो, सी 1 0 में क्या आया था लास्ट टाइम, 20 20 प्लस ए आई के, आई भी 1 है, के भी 1 है, तो ए का 1 1, ए 1 पर क्या है, 3, यहाँ से निकलेगा 3, देन बी 1 0, क्योंकि के 1 हो चुका, बी 1 0 क्या है, बी 1 0 है, यहाँ पर 3, तो इसकी मतलब इससे करी है, तो 3 3 9, और 9 में ऐड करेंगे 20, तो जो जाएगा 29, ये आ जाएगा 29 यहाँ पे, ओके। फिर ये जे के को इंक्रीज करेगा, के की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन ट्रू है, सी 1 0 में जो है वो फिलहाल 29 है, वो ऐड होगा किस साथ, होगा ए आई के, आई तो है 1 है और के 2 है, मैट्रिक्स ए 2 1 2 1 2 पे क्या है, 1 ही है, 2 ही है, यहाँ से निकल कर आएगा 6, और मल्टीप्लाई किससे किया है, बी 2 0 क्या है, 8, इसकी मल्टीप्लाई सही है, अब देखता है 8 6 कितना होता है, 8 6 48 48 में आप जब 20 ऐड करोगे तो हो जाएगा 68, और 68 में 9 ऐड कर दो ये हो जाएगा 77 है ना, 77 हो जाएगा, आप ऐड कर लो 48 प्लस 29, 8 9 कितना होता है, 8 9 होता है 17, यहाँ पे कैरी हो गया, 1 और 4 कितना होता है, 5 और 5 और 2 ये होता है 7, तो यह आएगा 77, ओके, तो 77 आंसर आएगा, मैसेज से 77, क्लियर होगी बात, चलो प्रॉब्लम सोल्व। तो अब यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो गया, केक वैल्यू हो जाएगी इसके बाद 3 3 होने पर लूप कंप्लीट हो गया, लूप सब बाहर आ गए, और जे को इंक्रीज करेगा, जैसे जे के पास जाएगा, जे का लूप हो 0 था, अब वो जे हो जाएगा 1, कंडीशन चेक करो ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आएंगे, अब कहाँ पर आएगा 0, सी वाली मैट्रिक्स के आई जे पर, आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो सी 1 1 में आ जाएगा 0, इस बार यहाँ पर आंसर आना है, इसको 0 डाल दिया, गार्बेज खत्म हो गई। अब के की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी दोबारा से, अभी आई थिंक आप समझ गए होंगे, फिर भी पूरा कर लेते हैं, के की वैल्यू आएगी 0 से स्टार्ट, 3 तक जाएगा, अब इसको एनालाइज करो क्या निकल कर आएगा, सी आई जे में तो 0 है अभी अभी डाला है यहाँ पे, और उसके बाद ए आई के, अब रीड करो कौन सी वेरिएबल में क्या वैल्यू है, आई में 1 है, जे भी 1 है, सिर्फ के 0 है, तो मैट्रिक्स ए का आई के यानी कि 1 0 1 0 पर क्या है, मैट्रिक्स में 1 0 पर 5, तो 5 निकलेगा आएगा, जिसकी मल्टीप्लाई होनी है किसके साथ होनी है, बी के जे से, के की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 1, तो बी मैट्रिक्स का 1, बी मैट्रिक्स का 0 1, बी मैट्रिक्स का 0 1 पे क्या है, बी मैट्रिक्स 0 1 पे है 6, तो यहाँ पे इस रो की इस कॉलम होनी ना, तो इस किससे करने है पहले, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर 6 निकल के आया, अब देखो 6 5 जो होता है 30 प्लस 0 ऐड कर दो तो 30 रहेगा, ये आ जाएगा सी 1 1 में, ओके। फिर ऊपर गए, के को इंक्रीज करा, अब ये किसकी मल्टीप्लाई करा, आई भी 1, जे भी 1, के भी 1, तो सी 1 1 में जो है वो 14 आ गया था लास्ट टाइम 30, उसमें ऐड होगा ए 1 1, ए 1 1 पर क्या है, ए 1 1 पर 3, यहाँ से निकल कर आएगा 3, और मल्टीप्लाई किससे होगी, बी 1 1 से, बी 1 1 में क्या है 9, अब इतना 9 18 18 जब ऐड करें 30 में ये हो जाएगा 48, तो 48 आंसर यहाँ पर आ गया, ओके। फिर जे की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू हो जाएगी 2,
टू पर चेक करो कंडीशन तो अभी ट्रू है। अब आई वन है, जे वन है, के टू है, तो सी वन वन में जो आया है 48 उसमें ऐड होगी वैल्यू क्या, ए वन टू पर क्या है 6, यहाँ से निकल कर आएगा 6 मल्टीप्लाई में क्या है ये पर रीड करेगा बी टू वन क्या है 4, तो 4 की 6 से मल्टीप्लाई करो 6 24 इसमें ऐड कर दो, या 48 में 24 ऐड करेंगे आएगा 8 4 12 एक कैरी हो जाएगा 5 8 2 7 72 आएगा, यहाँ पाँच आ जाएगा 72। ओके क्लियर है। उसके बाद जब के को ये 3 करेगा लूप कंप्लीट, लूप से बाहर आ जाएंगे। अब जे को इंक्रीज करने जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, ये 2 पे जब चेक करेगा कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आएंगे और ये जे आई के अंदर है। अब ये आई के पास जाएगा लास्ट में, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ये भी कंडीशन फॉल्स, तो आई के लूप से भी बाहर। अब यहाँ पर हम आ चुके, अब देखते हैं कि जो हमने पूरा ओवरव्यू लिया है, ओवर एनालाइज किया है, तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का सम सी वाली मैट्रिक्स में आ चुका और वो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले चाहिए। उसके बाद जब प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके, सी वाली मैट्रिक्स को मैंने प्रिंट किया हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि अब आउटपुट कैसे आएगा। ओके क्लियर है। जब बाहर निकलते लिखा जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आउटपुट चल रहा है, इसी के बाद यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैसेज आएगा एकदम से जब एंटर करेंगे एलिमेंट, और सी वाली मैट्रिक्स को प्रिंट किया हुआ है जिसमें आई स्टार्ट होगा 0 से 2 टाइम चलेगा, जे स्टार्ट हुआ 0 से ये भी 2 टाइम चलेगा, ये प्रिंट करा पहले C00, C0 में क्या वैल्यू आई है 44, फिर टैब आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जे वैल्यू हो जाएगी 1, जे वैल्यू 1 हो जाएगी, ये प्रिंट करा सी का 01, सी का 01 पर क्या है 60, ये प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद जे वैल्यू हो जाएगी 2, 2 होते लूप कंप्लीट, लूप से बाहर आ गया, लाइन चेंज कर सर यहाँ पर आ गया, अब ये जाएगा आई को इंक्रीज करने, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, कंडीशन ट्रू है, नीचे आकर फिर 0, फिर 0 हो जाएगा 0, अभी प्रिंट करेगा मैट्रिक्स का 10 पर क्या है इसमें 77 प्रिंट होगा, फिर टैब आएगा, जे को पूरा चलाएगा, जे वैल्यू हो जाएगी 1, अभी प्रिंट करेगा सी मैट्रिक्स का 11, सी मैट्रिक्स 1 पर क्या है 72, तो यहाँ पर आएगा 72, फिर जे को अगर पढ़ाएगा तो जे हो जाएगा 2 पर लूप कंप्लीट, लूप से बाहर, लाइन चेंज होगी, कर्सर यहाँ पर आ गया, और जैसे ही आई के पास गया, आई के पास गया, आई के लिए 2 कर इसने, आई के 2 होने पर इन्हें चेक कर ट्रू है, नहीं है, नहीं है तो बाहर आ गए और रिटर्न प्रोग्राम बंद कर दिया। तो यहाँ पर जैसे यूजर एंटर करेगा एलिमेंट, इमीडिएट उसका आंसर मिलेगा उसको यहाँ पर, दिस इज द कंप्लीट आउटपुट। और ये लॉजिक है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में आया हुआ है। अब ये सारी एक्टिविटी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इसको एक प्रैक्टिकल सेशन में प्रूव करते हैं कि ये एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ऐसे ही। उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो भी आपने अब तक प्रोग्राम एनालाइज करे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी स्ट्रीम में लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। ओके क्लियर है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। आइए दो मैट्रिक्स के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। हेड ऑफ फाइल इंक्लूड कर लो, हैश इंक्लूड stdio.h, सेकंड हेड ऑफ फाइल भी इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड conio.h। हेड फाइल इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन में हम आ जाते हैं, मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे जैसे मैंने बोर्ड पर डिस्कस किया था, एक मैट्रिक्स ली थी ए नाम की, उसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम डिफाइन किए थे, मैं बिल्कुल ऐसे ही करके दिखाऊंगा आपको, और सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज ली थी एंड 2 कॉलम डिफाइन किए थे। तो यहाँ पे भी मैंने प्रैक्टिकल के अंदर भी सेम करना है, और एक सी मैट्रिक्स ली थी, दोनों को 2x2 की ली थी, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 2 रो 2 कॉलम के अकॉर्डिंग आए थे, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 2 रो 2 कॉलम। फिर आई लिया एक, जे लिया एक, के यूज़ किया था, के ले लिया, और हमने प्रीवियस प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, CLR SCR स्क्रीन को करेंगे क्लियर, CLR SCR। ओके मैट्रिक्स को फटाफट इनपुट कर लेते हैं, प्रिंट एफ के अंदर मैसेज देता हूँ एंटर दी, यहाँ पर लिख देंगे 2 × 3 मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा, और उसके बाद उसके लिए हमने लूप सेट करने होंगे। लूप सेट जब करेंगे तो 4i = 0 से स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी है फर्स्ट मैट्रिक्स ए में, 2 रोज हैं, तो फर्स्ट लूप चलेगा 2 के लिए और वो जाएगा प्लस करने। फिर सेकंड जो लूप है कॉलम का वो यूज होगा j = 0, j < 3 एंड j++। अब यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन के अंदर हमने उनको डिफाइन कर लेना है
आई जे के अंदर ये फर्स्ट मैट्रिक्स इनपुट करा लिया है। अब सिमिलर हम सेकंड मैट्रिक्स के भी इनपुट कराएंगे, लिखेंगे एंटर दी थ्री मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स एलिमेंट्स, और ये हमने मैट्रिक्स इनपुट करा लिए यहाँ पर डबल कोट्स क्लोज। उसके लिए लूप सेट करो, देखते हैं बी वाली मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, थ्री रोज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री रोज हैं, ये यहाँ पे थ्री रोज हैं और टू कॉलम है। ओके, तो उसी लिए लूप सेट करेंगे, आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन थ्री एंड आई प्लस प्लस। उसके अंदर जो लूप रहेगा जे का वो चलेगा ज़ीरो से स्टार्ट होगा और उसकी एंडिंग होगी टू, क्योंकि वो टू कॉलम है और जे को करते रहेंगे इंक्रीज। ओके ओके, ये वाला हो गया। फिर स्कैनर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज लगा के, यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस ऑफ बी आई जे, यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम बी आई जे। ये हमने दोनों मैट्रिक्स को इनपुट कर लिया है। अब हम क्या किया था, बोर्ड पे हमने कमेंट लगाई थी। कमेंट का नाम होता है कि आपने कोई चीज़ अपने साइड से लिखनी है कोई बात, तो उसको कमेंट स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का जो लॉजिक है यहाँ से है, मल्टीप्लीकेशन प्रोसीजर ये लिखा था मैंने, और कमेंट को क्लोज करते हैं इस तरह से। अब उसके लिए फिर लूप सेट किए थे फॉर आई इक्वल ज़ीरो, आप क्या दो वो काम हो रहा है लूप के लिए, ये है सी वाली के लिए टू रो टू कॉलम है, तो यहाँ पर लूप इसी अकॉर्डिंग डिफाइन होंगे, आई लेस देन टू एंड आई प्लस प्लस। और सेकंड रो सेकंड रो लूप था वो था कॉलम का लूप फॉर, वो भी टू टाइम चलेगा, वो भी टू टाइम चलेगा, जे इक्वल ज़ीरो, जे लेस देन यहाँ पर टू आएगा जे प्लस प्लस। एंड यहाँ पे मैंने याद हो आपके लिखा था सी आई जे इक्वल टू ज़ीरो, और फिर एक लूप लगा था के का, के वाला लूप मल्टीप्लाई करता है के इक्वल ज़ीरो, के लेस देन थ्री किया था एंड के प्लस प्लस। मैच कर अपनी कॉपी में, आपने अगर नोट रखा है तो ये हमने सब किया था। फिर लिखा था यहाँ पे सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस करा था, प्लस किया था, और लिखा था ए आई के, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा था, लिखा था बी के जे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है। फिर तीनों लूप को हमने क्लोज किया था, फिर सी वाली मैट्रिक्स को प्रिंट किया था, यहाँ लिखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा कि ये जो आंसर अब आया है वो क्या आया है। तो हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया ना, उसका आंसर आया है। उसके लिए हम आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन टू, क्योंकि हम सी वाली मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे आई लेस देन टू आएगा, लेस देन टू। और उसके बाद जे का लूप ही टू टाइम चलाओ फोर, जे इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस देन टू एंड जे प्लस प्लस। और इसके अंदर प्रिंट ऑफ कर दो सिंपल नॉर्मल परसेंटेज डी, और बैक स्लैश टी भी लगा दो ताकि गैप आ जाए एक रो के एलिमेंट के अंदर, लेंगे सी आई जे यहाँ पे। तो और जब जैसे लूप कंप्लीट हो जाएगा प्रिंट एफ के अंदर, तो लाइन चेंज करेंगे एंड ये यहाँ पर गेट सच लगाया हमने, रिटर्न ज़ीरो, ये मैंने प्रोग्राम कर दिया कंप्लीट। इसको एक बार सेव कर लेते हैं, सेव कर प्रोग्राम को नाम देता है मल्टीप्लीकेशन डॉट सी लगा देते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं कितनी एरर शो करता है। इसमें टू एरर हो रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, आई के जे इक्वल इक्वल दो बार लग गया, यहाँ पर एक बार लगना था। इसको सेव कर लेते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं कौन क्या मिस्टेक है। अब इसके अंदर टू सी ए, यहाँ पर सी ए नहीं है क्योंकि खाली सी वाली मैट्रिक्स है। ओके, ये ठीक हो गया, एरर ठीक कर लेना चाहिए, पढ़ते आप उसको समझना चाहिए एरर क्या लिखा रही है। तो वन एरर बची है, यहाँ पर एरर बची है सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के, यहाँ पर मिस्टेक ही है, ये सब स्क्रिप्ट छुटा हुआ था के लिए, यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट छुटा हुआ था एक। ओके, ये वाला मिस हो गया था। अब इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा से सेव किया, अब इसको कंपाइल करते हैं, अब क्या एरर दिखाता है, देर इज़ नो एरर एंड नो वार्निंग्स। चलो अब रन कर लेते हैं। इस रन किया तो इसने पूछा एंटर दी टू इंटू थ्री मैट्रिक्स एलिमेंट्स। अब हमने मैट्रिक्स एलिमेंट देना है, जो बोर्ड पर डिस्कस किए थे वो एलिमेंट देते हैं पहले 5, 3, 4, 5, 3 एंड 4। सेकंड रो के एलिमेंट देते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट देते हैं, उसमें लिखा है 2, 6, 7, 2, 6 एंड 7। इसने पूछा नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू, सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट
थ्री इंटू टू की मैट्रिक्स फॉर्म में, वो थे 7 4 7 4, नेक्स्ट वो एलिमेंट थे 5 3 5 एंड 3, एंड थर्ड वो एलिमेंट थे 2 एंड 5 2 एंड 5। अब ये आंसर आया है मल्टीप्लीकेशन, देख सकते हैं कि 5 58 49 58 एंड 61, ये आंसर आया दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का। तो इस तरह से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, और मैंने जो एलिमेंट दिए थे आपको यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम के और 3 रो 2 कॉलम के। अगर आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर है, मैं इसको अब चेंज करता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैंने अलग अलग ऑर्डर में एलिमेंट लिए हुए हैं यहाँ पे, इनको मैं 2 बाई 2 ले करता हूँ, 2 बाई 2 के लिए सब कुछ 2 बाई 2 कर दिया, यहाँ भी 2 बाई 2 कर लेते हैं 2 बाई 2, और यहाँ पे भी लूप का जो यहाँ पे चीज है वहाँ पर 2 कर लो, सभी लूप के अंदर इसमें 2 कर लेते हैं 2 बाई 2, और यहाँ पे भी हम 2 बाई 2 यहाँ पर ओके हैं, के का लूप भी 2 के लिए चलाते हैं, और प्रिंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे हमने किया 2 3, एंटर करते हैं 4 5, सेकंड मैट्रिक्स में लेते हैं 6 2, एंटर करते हैं यहाँ पे कर दिया ये, अभी आंसर आ गया। देखो फर्स्ट रो के मैट्रिक्स के आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर ये आएगा, और फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में करेंगे सेकंड मैट्रिक्स में तो आंसर आएगा 10, और जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम तो आंसर आएगा 54 एंड 18। ओके क्लियर है। तो आपने कोई भी लेते हैं ऑर्डर, यहाँ पर जो ऑर्डर लोगे आप, ये मेन है फर्स्ट रो का, यहाँ पर डिफाइन किया रखें जितने नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स में उतने नंबर ऑफ रो होने चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, ये इसका रूल है। इससे अच्छा कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्लियर है। आपने अब प्रैक्टिकल खुल कर देखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू सो मच।